जी आप भी पूछ सकते सर 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 अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी इसी सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इस मुद्दा को रखने की अनुमति दी थी और यहां माननीय मंत्री जी यहां हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स और इन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि इस मामले को वो प्रधानमंत्री के नॉलेज में लाएंगे। सर इस बीच में अखबार में देखने को मिला कि पार्लियामेंट के एक जवाब में सरकार ने निर्णय लिया या सरकार ने कहा है कि जगजीवन राम जी का 6 कृष्ण मेनन मार्ग का जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मामला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सर मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और बार बार ये कहा जा रहा है कहीं बाहर में सुप्रीम को कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, मैं सर आपके माध्यम से मैं कोर्ट का मेरे पास में कॉपी है आप कहें तो मैं आपके देख सकता हूं। कोर्ट ने अपने इंट्रीम ऑर्डर में 10/11/98 को कहा था कि ऑन द ओवरऑल कंसिडरेशन ऑफ द मैटर वी का डायरेक्ट दैट नो फर्दर अलॉटमेंट टू द हाउसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रस्ट मेमोरियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज शैल बी मेड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टिल द नेक्स्ट डेट। सर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि डिसीजन विथ रिगार्ड टू 6 कृष्ण मेनन मार्ग एंड 1 मोतीलाल नेहरू प्लेस बी प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट। उसके बाद नहीं हुआ और जो मोतीलाल नेहरू मार्ग था उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया, बहुत अच्छा किया। हम लोगों के शास्त्री जी क्या कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी हम लोगों के सबके नेता हैं, देश के नेता हैं, अच्छा किया गया। लेकिन व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन विथ क्या कहते बाबू जगजीवन राम जी और सर 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 और सर 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 मैं आपसे कहना चाहता हूं 9th लोकसभा के 114 MP 10th लोकसभा के 267 MP मदन लाल खुराना जी यहां बैठे हुए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस 11 जुलाई 2002 को लिखे, साहेब सिंह वर्मा 4 जुलाई 2002 को लिखे, बंगारू लक्ष्मण 31 अगस्त को लिखे हैं, शरद यादव 31 जुलाई 2002 को लिखे हैं, सूरज भान 26 जुलाई 2002 को लिखे हैं, लाल बहादुर तिवारी जी लिखे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं प्रधानमंत्री 1990 में उन्होंने लिखा जबकि हमारे नाम से अलॉटमेंट हुआ था कि आप कैंसिल करो और उनके नाम पर दो। एसजी देवेगौड़ा जी ने लिखा, इंद्र कुमार गुजराल जी ने लिखा, पीबी नरसिम्हा राव जी ने लिखा, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति की हैसियत से 22 जुलाई 1995 को पीएम को लिखा, KR नारायणन 6 जुलाई 2002 को दोबारा लिखा, मनोहर जोशी जी एज ए स्पीकर की हैसियत से सर आपने 16 सितंबर 2002 को स्ट्रांगली रिकमेंड किया, 2 अगस्त 2000 को सैकड़ों MP ने लिखा। बाबू जगजीवन राम का क्या क्राइम है, कितने सारे और तो सब लोग लिखे ही है, मैं इन लोगों का जो पद होल्ड किए हुए हैं सब लोगों को लिखने के बावजूद भी और जब 2 व्यक्ति के नाम से था और लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया और कोर्ट ने कहा कि दोनों पर विचार करो तो बाबू जगजीवन राम जी के प्रति इस तरह का अन्याय मेरी समझ में नहीं आता है और ये सरकार दुर्भावना से ग्रसित है। ये मामला जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति और पूरे देश और सर और सर और सर सर मेरे पास में कॉपी है और गली और सर गली सर मैं आपके सर ये साधारण मुद्दा नहीं है, ये साधारण मुद्दा नहीं है, यदि किसी को आपत्ति है सर रामदास पासवान सर यदि किसी को आपत्ति यदि सदन को आपत्ति है तो एक आदमी खड़ा होकर के बोले। इसलिए सर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं ये बहुत गंभीर मुद्दा है और सरकार इसके ऊपर में जवाब दे। सर सरकार रामदास जी आपने यह इम्पोर्टेंट विषय बहुत अच्छी तरीके से रखा है। मैं सोचता हूं कि यह सब इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाने की जरूरत थी जो आपने पहुंचाई है। अभी सरकार क्या उत्तर देता है इस विषय में मैं देखना चाहता हूं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इटसेल्फ इज द गवर्नमेंट सो गेट हिम रिप्लाई ऑन दिस। प्लीज आप
I did not assure. I did not assure anything. That I have checked. I have done it. प्लीज बैठिए। देखिए इस विषय पर पूरी चर्चा हुई है, मैं और चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। देखिए इस विषय पर बहुत चर्चा हुई, दूसरे भी अर्जेंट विषय मेरे सामने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए मंत्री जी आप क्या करें, अगर शांति से सुने तो जितनी जानकारी मेरे पास है मैं दे सकता हूँ। अध्यक्ष जी, पिछली बार ये विषय जब सदन में उठा था तो मैंने सदन में ये कहा था कि सदन में जो भी सदस्यों ने भावना व्यक्त की है मैं प्रधानमंत्री तक उसी क्षण उसी दिन पहुंचाऊंगा, वो मैंने पहुंचाई है। अगर उसमें मुझे कोई निश्चित रूप से उत्तर मिले तो मैं निश्चित रूप से सदन को दे सकता हूं। दो बात नहीं भावना तो दो बातें मैं इस क्षण कहना चाहता हूं, जरा सुनिए अभी सुनिए। दो बातें मैं कहना चाहता हूं जो जानकारी हो। एक तो बात यह है कि ये सच नहीं है, कम से कम आज तक, इसके बाद फैसला बने, सरकार फैसला करे तो सरकार हर बड़े नेता का घर स्मारक कर सकती है, वो अलग बात है। मैं उसमें आप जरा सुन नहीं तो मुझे बुलाते क्यों हैं आप, अगर सुनना नहीं है नहीं आप फिर बोलिए, सुनना ही नहीं तो क्या करें। अध्यक्ष जी मैं इसको मेरे दृष्टि से सभी नेता बड़े हैं, मैं किसी के साथ किसी और की तुलना करके इसका क्यों उसका क्यों इस तुलना में शास्त्री जी जगजीवन राम जी, ऐसा मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ सदन को, ये ठीक है कि आपने जो सारे पत्र कहे वो पत्र अभी जो प्रधानमंत्री अटल जी ने लिखा था, देवेगौड़ा ने लिखा था, गुजराल ने लिखा था, अब ये तीनों बाद में प्रधानमंत्री बने, किसी ने अभी तक किया नहीं, मतलब इन सबके पास प्रधानमंत्री पद था। हटाया भी नहीं आप पूरा, किसी ने हटाया नहीं है वो, वहां कोई स्मारक तो है नहीं सर। दूसरी बात, ये सच नहीं है कि सरकार ने केवल इसे इनकार किया। चौधरी अजीत सिंह का पत्र था कि चरण सिंह जी इस घर में इतने इतने वर्ष रहिए, इसका स्मारक करिए, सरकार ने इस बात से सहमति प्रकट नहीं की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पत्र था कि देवीलाल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है वो इस घर में इतने वर्ष रहे हैं, इसका स्मारक करिए, इनका करिए, सरकार ने कहा कि स्मारक नहीं करिए। 2000 साल में जो वर्तमान सरकार की कैबिनेट है, जिस कैबिनेट के रामविलास पासवान जी स्वयं सदस्य थे कुछ महीनों तक, उस कैबिनेट ने यह फैसला किया कि सर आप सदस्य थे, अब उस दिन थे या नहीं थे बैठक में इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन दावे के साथ आप उस मंत्रिपरिषद के सदस्य थे जिस मंत्रिपरिषद ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के घरों में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनका सारा उनका कोई जीवन, एक कोई अलग किसी का स्मारक करना हो तो अलग अलग प्रकार से महान व्यक्तियों के स्मारक कर सकते हैं, जिसमें बाबू जगजीवन राम जी का भी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बरसों तक बड़े नेता रहते हैं, वो जिन घरों में रहें उस घरों में उनकी मृत्यु के बाद उनके स्मारक बनाने की जो परंपरा, कुछ घर ही बने, ज्यादा नहीं बने, उसको उस समय कैबिनेट ने कहा कि इसके आगे किसी का किया नहीं जाएगा। अब बाद में जो कोर्ट में मामला है, मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं हूं, मुझे उसके डिटेल का पता नहीं है, फिर भी आपने यहां विषय, तो मैंने पहले कहा कि भेदभाव कर रही है, सच नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी स्वयं इस मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, फिर भी हमने कहा कि हम आपके पिताजी के प्रति पूरा सम्मान होने के पश्चात भी हम घर को नहीं कर सकते। ओम प्रकाश चौटाला जी एनडीए के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमने कहा कि पूरा हमारा सम्मान है देवीलाल के प्रति, लेकिन इस घर को हम कर नहीं सकते, क्योंकि घर के पीछे घर स्मारकों में परिवर्तित न करें, इस प्रकार की एक कैबिनेट ने फैसला किया। फिर भी आपने आग्रह से यहां बात रखी है, मैं आज फिर आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, वो जो फैसला करें, अगर मुझे कुछ फैसला पता चला तो मैं आपको दे दूंगा।